OTT3 की प्रतियोगी शिवानी कुमारी ने शो के दौरान अपनी इमोशनल कहानी से दर्शकों को खूब इमोशनल किया था, लेकिन जब शो से बाहर हुई थी तो उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। हाल ही में शिवानी की एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वह 13 लाख रुपए की चमचमाती कार के साथ पोज दे रही हैं। इस तस्वीर ने लोगों को हैरान कर दिया और उन्होंने सवाल उठाया कि क्या शिवानी की संघर्ष की कहानी सच थी या सब कुछ ड्रामा था। अब शिवानी के मैनेजर ने इस बात से पर्दा उठा दिया है। उन्होंने बताया कि वो कार शिवानी ने नहीं खरीदी, बल्कि ये पूरा मामला सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था। असल में वो कार उनके मैनेजर की थी। मैनेजर ने यह भी खुलासा किया कि बिग बॉस OTT3 के सभी प्रतियोगियों को अभी तक उनकी फीस का भुगतान नहीं हुआ है, जिसमें शिवानी भी शामिल है। इसलिए शिवानी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह इतनी महंगी कार खरीद सके। इसके अलावा शिवानी के मैनेजर ने यह भी कहा कि शिवानी अपनी कमाई का इस्तेमाल लड़कियों की शिक्षा के लिए करना चाहती हैं, ताकि उनके जैसे बैकग्राउंड से आने वाली लड़कियों को भविष्य में किसी तरह का भेदभाव ना झेलना पड़े।